सबसे पहला क्वेश्चन आपके दिमाग में होगा कि ये डेटा इंजीनियर करते क्या है। मैंने देखा है कि बहुत सारे डेटा इंजीनियर है जिनको 3-3 साल पे बहुत ज्यादा पैकेज मिला हुआ है, लेकिन नॉर्मली मैंने अपने करियर में कभी डेटा इंजीनियरिंग को नाइट शिफ्ट करते हुए नहीं देखा हुआ है। हाय एवरीवन, माय नेम इज अंकुश और आज हम डिस्कस करेंगे डेटा इंजीनियरिंग फील्ड के बारे में। आजकल का अगर आप आईटी ट्रेंड देखोगे ना, तो जिस फील्ड में डेटा के रिलेटेड जॉब वैकेंसीज है वहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, तो उसमें चीज़ आती है डेटा इंजीनियर की। सबसे पहला क्वेश्चन आपके दिमाग में होगा कि ये डेटा इंजीनियर करते क्या है। मैं इसको समझाने के लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूँ। आजकल हम लोग क्या कर रहे हैं ना, ये डेटा को हम लोग कलेक्ट कर रहे हैं। द डेटा मे बी अवेलेबल ऑन वेबसाइट, द डेटा मे बी अवेलेबल समवेयर आउटसाइड द वेबसाइट ऑल्सो। सारे के सारे डेटा को हम एक जगह पे लेके आ रहे हैं। जैसे डेटा मेरे पास में आया, उस डेटा को हम लोग क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे कि भाई अगर मेरा रेवेन्यू अगर जनरेट हो रहा है तो सबसे ज़्यादा रेवेन्यू मेरा कौन से स्टेट से हो रहा है। मे बी मेरा सबसे ज़्यादा रेवेन्यू महाराष्ट्र से हो रहा है, उससे कम रेवेन्यू मेरा तेलंगाना से हो रहा है। तो उस डेटा को एनालिसिस करने के बाद में ही मुझे पता चलेगा कि अच्छा, ये स्टेट में तो मेरा सबसे ज़्यादा रेवेन्यू आ रहा है, लेकिन इस स्टेट्स पे हम लोगों को काम करने की ज़रूरत है। अगर आपको अपने बिजनेस को ग्रो करना है तो आपको अपने पुराने डेटा को संभाल के रखना पड़ेगा। उस डेटा का यूज़ करके आप अपने बिजनेस की गोल सेट कर सकते हो। तो यही तो काम होता है डेटा इंजीनियर का। सो डेटा इंजीनियर इज अ फील्ड विच इज मेनली रिस्पॉन्सिबल टू कलेक्ट द डेटा फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस। हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंट सोर्सेस से डेटा कलेक्ट करेंगे, उस डेटा को इस तरह से बनाएंगे, उस तरह से उसको स्ट्रक्चर देंगे ताकि वो डेटा आपके डेटा एनालिस्ट करने के लिए काम में आएगा। डेटा इंजीनियरिंग में अगर आपको अपना करियर बनाना है तो उसके लिए आपको टेक्नोलॉजीज पता होनी चाहिए, जैसे पाइथन, देन आपका कोई भी एक डेटाबेस लाइक ओरेकल, MySQL, SQL सर्वर और PostgreSQL। आपको लिनक्स टेक्नोलॉजी के बारे में भी पता होना जरूरी है। देन यू कैन हैव अ नॉलेज अबाउट द डेटा वेयर हाउस, स्नोफ्लेक रिलेटेड कंसेप्ट। ये सारी चीज़ें अगर आपको पता है ना, तो आप इजीली अपना करियर डेटा इंजीनियरिंग में स्टार्ट कर सकते हो। डेटा इंजीनियर का जो पैकेज होता है काफ़ी ज़्यादा होता है कंपेरेटिवली आप अगर दूसरी टेक्नोलॉजी के साथ में इसको कंपेयर करोगे तो। वैसे देखा जाएगा तो शुरुआत में तो सबका पैकेज सेम ही होता है, लेकिन जैसे आप अपने करियर में आगे बढ़ते जाते हो तो आपका पैकेज बढ़ते जाएगा। मैंने देखा है कि बहुत सारे डेटा इंजीनियर है जिनको 3-3 साल पे बहुत ज़्यादा पैकेज मिला हुआ है। जैसे आप अपना डेटा इंजीनियरिंग का कोर्स कंप्लीट कर लोगे, देर आर मल्टीपल कंपनीज आर देयर हु आर रेडी टू टेक यू एज अ डेटा इंजीनियर। अगर मैं सर्विस बेस्ड कंपनी की बात करूंगा तो कॉग्निजेंट, विप्रो, इन्फोसिस, L&T इन्फोटेक, सिनेक्रॉन, ऐसी बहुत सारी कंपनीज है जहाँ पे आप अपना करियर स्टार्ट कर सकते हो। अगर मैं बड़ी बड़ी कंपनी की बात करूंगा जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा पैकेज मिलेगा, उसमें आपका आता है Amazon, Walmart, Google, ऐसी बहुत सारी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है जहाँ पे आप अपना करियर इजीली डेटा इंजीनियरिंग में स्टार्ट कर सकते हो। नॉर्मली जो डेटा इंजीनियर होता है उनका जो जॉब टाइमिंग्स होता है वो 9-to-6 ही काम करते हैं, जहाँ पे आपको सैटरडे संडे ऑफ मिलेगा एंड जब भी आपको गवर्नमेंट छुट्टी रहेगी उस टाइम पे भी ऑफ मिलेगा, क्योंकि आप लोग कोई प्रोडक्शन इशू पे कोई काम नहीं कर रहे हो। लेकिन कभी कभी ऐसा सिचुएशन आता है कि जहाँ पे क्लाइंट के हिसाब से आपका जॉब टाइमिंग नॉर्मली चेंज हो सकता है, मे बी बाई 12-to-9 और 10-to-7 ऐसा भी हो सकता है। लेकिन नॉर्मली मैंने अपने करियर में कभी डेटा इंजीनियरिंग को नाइट शिफ्ट करते हुए नहीं देखा हुआ है। सो इफ यू वांट टू लर्न दिस डेटा इंजीनियरिंग फील्ड, देयर आर मल्टीपल यूट्यूब चैनल्स आर अवेलेबल वेयर यू कैन लर्न दिस डेटा इंजीनियरिंग कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। नॉर्मली हम लोग बहुत सारे वीडियोज डालते रहते हैं रिलेटेड टू द डेटा इंजीनियरिंग। अगर आप थोड़ा सा पैसा खर्च करने के लिए रेडी हो तो आप 400-500 रुपए में Udemy पे कोर्सेज खरीद सकते हो और वहाँ पे भी आप डेटा इंजीनियरिंग के बारे में पढ़ सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आपको इनडेप्थ नॉलेज चाहिए डेटा इंजीनियरिंग के बारे में तो आप हमारे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को भी ज्वाइन कर सकते हो। वी हैव 3 ब्रांचेस अवेलेबल इन द पुणे लोकेशन एज वेल एज इन हैदराबाद लोकेशन। अगर आप डेटा इंजीनियरिंग के बारे में इनडेप्थ स्टेप बाय स्टेप ट्रेनिंग लेना चाहते हो तो जो नंबर स्क्रीन के ऊपर दिया हुआ है उस नंबर पे आप कॉल बैक भी कर सकते हो। वी विल हेल्प यू टू स्टार्ट योर करियर इनटू द डेटा इंजीनियरिंग। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आपके दिमाग में अंदर कोई भी क्वेश्चन है रिलेटेड टू द डेटा इंजीनियर तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, मैं नेक्स्ट वाला वीडियो उसके ऊपर डाल दूंगा। अगर आपको लगता है कि मैंने डेटा इंजीनियरिंग के बारे में बहुत सारे वीडियो बनाना चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में इंटरेस्टेड लिख दीजिए,
मैं नेक्स्ट टाइम पे डेटा इंजीनियरिंग के बारे में बहुत सारे वीडियो यहाँ पे आपके यूट्यूब चैनल पे यहाँ पे अपलोड कर दूंगा। सो थैंक यू सो मच एंड प्लीज डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल विद एवरीवन।